गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऑसम वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेरे प्यारे भाई आरजे भाई ने अपलोड किया है। एंड यार ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जल्दी से जाओ वीडियो को देखो, आप खुद जाके देखो, सरप्राइज आप सबके लिए। मैं बताऊंगा नहीं कुछ। यार तुमने भी देखा होगा कि इंडिया में कितनी सारी पोकेमॉन मूवीज आए जा रही हैं। एंड गाइस बहुत सारी ऐसी मूवी होंगी जो कि आपको बहुत पसंद होगी, लाइक आर्केस और जीवन का झूल, म्यूटो का बदलाव और कितनी सारी मूवीज है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है। एंड गाइस आप तो नॉर्मली टीवी पे बैठ के पोकेमॉन मूवीज देखते हो, जो भी आती है हंगामा टीवी पे। बट गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी पोकेमॉन मूवीज भी एग्जिस्ट करती है जिनको की हंगामा टीवी ने डायरेक्ट स्किप कर दिया है। तो हाँ गाइस वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पोकेमॉन मूवी है जो कि हंगामा टीवी ने स्किप कर दी है। हम लोग कार्टून नेटवर्क डब की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हंगामा टीवी पे जो जो पोकेमॉन मूवीज आई हैं एंड उनमें से कौन सी वाली स्किप कर दी है। यार मूवी की बातें तो चलती रहेंगी, वो तो अपना वीडियो है ही आगे का, बट उससे पहले जो आपको कहना चाहता हूँ बहुत सारा थैंक यू गाइस, आप लोग ने 60K सब्सक्राइबर्स करा दिए हम लोग पे और अभी हम लोग को रुकना नहीं है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है एकदम अच्छे कंटेंट के साथ। तो हाँ अगर चैनल भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग धमेजिंग पोकेमॉन वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ पसंद आते तो लाइक और शेयर कर दिया करो यार, क्या होता है, बस नीचे जाके लाइक ही तो करना है, बस उससे आप लाइक करोगे मुझे पता चल जाएगा आपको वीडियो पसंद आई, बस और क्या। तो हाँ वीडियो चालू हो ही रहेगा, प्लीज एक मिनट रुक जाओ यार। नजर डालते हैं कुछ ऑसम कमेंट्स के ऊपर। अनुराग मैक्सवेल भाई का मुझे ये कमेंट बहुत ही अच्छा लगा सच में। एंड अर्जुन टीबी भाई का ये कमेंट भी मुझे बहुत ही पसंद आया, मतलब यार क्या मैं कहूँ आपकी, क्या तारीफ करूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, मतलब यू आर सो 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 सो। अरे भाई तेरा सो सो सुन के आज सो जाएंगे सब लोग वीडियो में, जल्दी चालू करना। हाँ सॉरी एक्साइटमेंट के चक्कर में भूल गया था। हाँ तो यू गाइज आर सो लवली पीपल यार, आप लोगों के कमेंट्स देख के सही में बहुत ही मजा आ जाता है, मस्त एकदम लगता है, ऐसे ही कमेंट्स करते रहा करो। तो चलो यार वीडियो को चालू करते हैं, बहुत ही टाइम हो चुका है, तो फिर आइए जानते हैं हंगामा टीवी ने कौन कौन सी मूवीज को स्किप किया है और उनके रीजंस भी, क्यों स्किप किए वो भी जानेंगे। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। तो देखो यार हंगामा टीवी ने टोटल हम लोग को 15 पोकेमॉन मूवीज दिखा दी हैं। अब आप लोग सोचोगे भाई मूवी 16 आई थी लास्ट टाइम तो 15 मूवी कैसी दिखाई है। रुको आपका यही कंफ्यूजन तो क्लियर करना है इस वीडियो में, शांति। देखो यार हंगामा टीवी ने एकदम सही तरीके से पोकेमॉन मूवी 1 से लेके मूवी नंबर 8 तक दिखाया हिंदी डब करके, बट उसके बाद हो जाता है तहलका। मूवी 8 तक सही से दिखाया ठीक है, बट उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया, उन्होंने मूवी नंबर 9 को गायब ही कर दिया टाइमलाइन से। जो मूवी सीजन 9 के साथ साथ आ जानी चाहिए थी या उसके पहले या उसके बाद आ जानी चाहिए थी इंडिया में, उसको सीधा सीधा गायब कर दिया। हाँ गाइस मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन मूवी 9 रेंजर एंड द टेम्पल ऑफ द सी के बारे में। ये मूवी को आप लोग जानते होंगे, ये मूवी जो है उसको स्किप कर दिया हंगामा ने बिना कोई स्पेसिफिक रीजन को बताए। एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग भी नहीं हुई है क्योंकि ये ऑलरेडी स्किप हो चुकी है। अब पता नहीं कि उसकी जगह उन्होंने डायरेक्ट मूवी 10 को दिखाया था एंड इस मूवी को गायब ही कर दिया था। एंड गाइस मैं अभी अपना ओपिनियन बताऊं इस मूवी के ऊपर कि मुझे क्या लगता है कि ये मूवी क्यों स्किप की गई है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो ये सीजन 9 की मूवी है एंड एनिमे की ऑफिशियल मूवी है जिसको कि स्किप कर दिया गया है। एंड मुझे ये लगता है कि आपको याद होगा सीजन 9 और 10 के टाइम पे डबिंग चेंज हुई थी, याद होगा सीजन 9 के लिए अलग डबिंग थी नचिकेत सर ने की थी और सीजन 10 के लिए वहीं पर प्रसाद बर्वे सर ने की थी। तो हो सकता है इस डबिंग के स्टाफ के चलते इस मूवी को स्किप कर दिया गया हो या फिर इसको ऐसी मतलब डबिंग ही नहीं की गई हो, ये मुझे लगता है। बट हाँ ये बात तो है इस मूवी को स्किप किया गया है, उसके बावजूद मतलब ओरिजिनल मूवी होने के बावजूद इसको स्किप किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ जिसको कि इंडिया में स्किप किया गया है, वो भी एक ओरिजिनल टाइमलाइन की मूवी है एंड एनिमे की ऑफिशियल मूवी है। तो गाइस इस मूवी को बहुत ही कम लोग जानते होंगे, अभी मैं उसका नाम लेने वाला हूँ, अब बहुत से लोग जान जाएंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। ये मूवी है पोकेमॉन मूवी ब्लैक विक्टिनी और रेशिरैम की दूसरी जुड़वा बहन, यानी कि पोकेमॉन मूवी व्हाइट विक्टिनी और जैक्रोम। अब देखो यार इस मूवी के बारे में बहुत से लोगों को होगा, ये मूवी 14 का एक्चुअली एक सेकंड पार्ट है, मूवी 14 विक्टिनी और रेशिरैम जो कि इंडिया में आई थी, वैसे सेकंड पार्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों स्किप किया गया इसको। एक्चुअली ना लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर काफी चर्चे रहते थे बहुत पहले एंड पोकेमॉन कंपनी ने डिसाइड किया कि वो पोकेमॉन मूवी 14 जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली मूवी का नाम उन्होंने रखा ब्लैक विक्टिनी एंड रेशिरैम, वहां पे सेकंड पार्ट का नाम, एंड गाइस आपको पता होगा कि यूनोवा रीजन के जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं उनका नाम है रेशिरैम एंड जैक्रोम। अब देखो यार फैंस काफी डिमांड करते हैं कि हर एक पोकेमॉन के ऊपर, हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर मूवी होनी चाहिए, तो पोकेमॉन मूवी ने डिसाइड किया कि दोनों पोकेमॉन जो है यूनोवा रीजन के, रेशिरैम और जैक्रोम,
दोनों के ऊपर ही एक एक मूवी बना दी जाए जिससे फैंस भी खुश हो जाएं एंड दोनों को एक एक मूवी मिल जाए यार लेजेंडरी पोकेमॉन्स की। स्टोरी एकदम सेम है, एकदम सेम मूवी है, बट जो दूसरा पार्ट है उसमें एज अ हीरो दिखाया गया है जैक्रोम को, जहाँ पे हमारे इंडिया में जो टीवी पे आई थी हिंदी डब में वो पार्ट वन थी, मतलब एक मूवी थी जहाँ पे रेशिरम को हीरो दिखाया गया था और जैक्रोम को एज अ विलन दिखाया गया था। बट वहीं पे दूसरी मूवी में रेशिरम को जो है विलन दिखाया गया एंड जैक्रोम को क्या दिखाया गया है, हीरो। तो इस मूवी को इंडिया में कम्प्लीटली स्किप कर दिया गया है, बल्कि बाहर ये इंग्लिश में डब हुई है एंड इंडिया में इसको हिंदी डब नहीं किया गया। ऐसा इसीलिए गाइस क्योंकि जब हंगामा टीवी ने डबिंग की होगी, इस मूवी की डबिंग करवाई होगी, तब उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि एक ही मूवी की स्टोरी सेम है, बस लेजेंडरी पोकेमॉन्स का अंतर है, तो इसको इसकी डबिंग क्यों करें भाई, इतनी लंबी मूवी की डबिंग क्यों करें और उसको क्यों टीवी पे दिखाएं। उनको लगा होगा फैंस भी क्यों देखेंगे, सेम स्टोरी सब कुछ सेम है, बट इसीलिए हो सकता है इसको मूवी को नहीं दिखाया गया हो। तो ये थी वो मूवी जिसको कि स्किप किया गया है पोकेमॉन मूवी 9 के साथ, बल्कि ये दोनों ही मूवीज जो हैं वो ओरिजिनल टाइमलाइन का हिस्सा है, यानी कि ओरिजिनल एनिमे को फॉलो करती हैं, फिर भी इनको जो है स्किप कर दिया गया। तो गाइज यही था वो वीडियो जिसमें मुझे आपको बताना था कि कौन कौन सी ऐसी पोकेमॉन की मूवीज है जो सीजन के साथ है, यानी कि ऑफिशियल मूवीज हैं जिनको स्किप किया गया है इंडिया में हंगामा टीवी डब में वो। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा, दो ऐसी मूवीज हैं जिनको ओरिजिनल टाइमलाइन के बावजूद, एंड इस मूवी में मैंने सिर्फ ऑफिशियल मूवीज की बात की है, कोई स्पेशल एपिसोड लाइक मास्टरमाइंड ऑफ मारिज पोकेमॉन की बात नहीं की है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मूवीज की बात की है। एंड हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे शेयर करना, अपना प्यार बरसा रहना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस पे, एंड हाँ कमेंट करना मत भूलना। और चैनल में पहली बार आए हो तो ऐसे मत जाना, मैं जान ही नहीं दूंगा तुमको यार, जान ही नहीं दूंगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, तभी जाना, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आपका एक डाउट मुझे पता है अभी क्या है भाई, क्या ये मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब होके कभी आने वाली है? तो गाइस मुझे बोलते भी तो अच्छा नहीं लग रहा, आपका दिल तोड़ दिया, मतलब ऐसा आप लोगों को लगेगा अभी। मेरा जवाब है नो, अब कोई भी चांस नहीं है दोनों ही मूवीज का इंडिया में आने का, क्योंकि इनको स्किप किया गया है, मतलब कैंसिल किया गया है, तो किसी स्पेसिफिक रीजन के चलते किया गया होगा। एंड अभी तो एक्स एंड वाई की मूवीज आने वाली है यार, तो उनका वेट करो, मजे करो। हाँ यार, मुझे भी मजे करने यार, लाइक करो वीडियो को, तभी तो मजा आएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी अमेजिंग वीडियो में, जब तक लेटर पोकेमॉन फैन बने रहे, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।